चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और आज बातचीत करेंगे हम प्रैक्टिस सेट सीटेट और आपके एमपीटेट पर। और आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से उन प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी व्यापक महत्व रखते हैं। चलिए दोस्त प्रश्न नंबर एक को लेते हैं। और प्रश्न नंबर एक के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, एक कह रहा है इन्वायरोनिर से तात्पर्य है। सबसे पहले आप प्रश्न में देख लेंगे इन्वायरोनिर शब्द जो लिखा हुआ है यह हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इन्वायरोनिर फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है क्या, पास और पड़ोस। इसका अर्थ होता है पास पड़ोस। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इन्वायरोनिर से तात्पर्य जैविक अजैविक होता है, कह रहा बी कह रहा पास पड़ोस होता है, सी कह रहा सजीव निर्जीव होता है और डी कह रहा उपर्युक्त सभी। तो देखिए आप फ्रेंच भाषा के आधार पर जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके मन में आ सकता है कि इसका अर्थ पास पड़ोस होता है। तो ये सत्य है कि पास पड़ोस अर्थ होता है, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है कि इन्वायरोनिर से क्या तात्पर्य है। तो देखिए बालक के पास पड़ोस में जैविक और अजैविक वस्तुएं पाई जाती हैं। बालक के पास पड़ोस स्वयं होता ही और पास पड़ोस में सजीव और निर्जीव भी पाए जाते हैं। अतः इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं प्रश्न नंबर दो के क्रम पर। और प्रश्न नंबर दो पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा सीखने की प्रक्रिया, बी कह रहा सिखाने की प्रक्रिया, सी कह रहा कि क्या शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे कि आपके ऊपर के तीन के तीनों आंसर आपको सही प्रतीत हो रहे हैं कि शिक्षण सीखने की, सिखाने की, सामाजिक। अब जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाए तो हम व्यापक आंसर को उठाते हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि सीखने सिखाने की क्रिया घटित कहाँ होती है, समाज में। तो सीखना सिखाना एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है और सीखने सिखाने की जो सामाजिक प्रक्रिया होती है इसी को कहा जाता है क्या, शिक्षण। तो प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर तीन लेते हैं। और प्रश्न नंबर तीन कह रहा है कि समाज की परिवर्तनशीलता के आधार पर शिक्षण की कितनी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है क्या एक दो और तीन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आप ध्यान देंगे कि समाज की परिवर्तनशीलता के आधार पर शिक्षण की तीन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। हमने आपको बार बार बताया है, पहला वाला क्या कहलाता है, राजतंत्रात्मक कहलाता है। दूसरा वाला क्या कहलाता है, लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, तो हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। तो समाज की परिवर्तनशीलता के आधार पर शिक्षण की कितनी प्रणालियां, तो तीन प्रणालियां, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तक्षेप रहित होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार के क्रम पर। और देखिएगा प्रश्न नंबर चार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। कह रहा कि प्रीति कक्षा तीन की छात्रा है जो अधिकांश व्यवहार अपने मित्रों की सहायता से सीखती है, प्रीति का सीखना क्या कहलाएगा। ए कह रहा औपचारिक शिक्षा कहलाएगा, बी कह रहा अनौपचारिक, सी कह रहा निरौपचारिक और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान, आप कमेंट करते रहेंगे और तब से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा कि प्रीति कक्षा तीन की छात्रा अधिकांश व्यवहार अपने मित्र की सहायता से। तो देखिए औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, जो निश्चित उद्देश्यपूर्ण अर्थात एक निश्चित समय, एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित विषय विशेषज्ञ और एक निश्चित यहाँ पे कह सकते हैं स्थान विशेष पर चलती है। तो ये हमारी औपचारिक। और इसके अलावा जन्म से मृत्यु तक शिक्षा हमारी अनौपचारिक कहलाती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण, मतलब जो नियंत्रण और स्वाभाविक दोनों प्रकार की होती है वो निरौपचारिक कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए मित्र की सहायता से जो सीखना होता है वह जन्म से लेकर के मृत्यु अर्थात स्वाभाविक रूप से होता है और इसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। प्रश्न नंबर पाँच की ओर आते हैं। और प्रश्न नंबर पाँच में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इंटरनेट के माध्यम से सीखना कहलाएगा। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आप पत्र के माध्यम पत्राचार माध्यम से पढ़ रहे हो या किसी विद्यालय कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप प्राइवेट पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रेस के माध्यम से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हो, कह रहा कि इस प्रकार का सीखना क्या कहलाता है।
कह रहा औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण। तो आप ध्यान देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निरौपचारिक शिक्षण, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सीखने में कुछ परिस्थितियां स्वाभाविक होती हैं, अर्थात हम पढ़ने का जो समय होता है और पढ़ने की जो हमारी शैली होती है हम अपने आधार पर तय करते हैं, और एक निश्चित समय अंतराल पे एक हमें एग्ज़ाम देना होता है, ये हमारा नियंत्रण होता है, तो इसे हम निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर छः के क्रम की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर छः क्या कह रहा है, कह रहा है पर्यावरण शिक्षण से तात्पर्य है, ए कह रहा बालक के अवलोकन क्षमता के विकास करना, बी कह रहा बालक को वातावरण के प्रति समक्ष प्रदान करना, ये बी को ध्यान दीजिएगा कि बालक को वातावरण के प्रति समझ प्रदान करना होगा, और सी कह रहा परिवेश से परिचित कराना, डी कह रहा उपर्युक्त सभी। तो आप ध्यान देंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्यावरण शिक्षण बालक को उसके पर्यावरण के प्रति क्रियाशील, अंतःक्रिया इत्यादि के मध्य आदान प्रदान व अवलोकन क्षमता के विकास की ओर अग्रसर करता है। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर सात के क्रम पर आते हैं। प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बालक को सीखने में आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, मतलब कौन सा व्यक्तिगत कारक के रूप में, कह रहा है अभिप्रेरणा, परिवार, समुदाय, समाज। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कार्य को करने की जो हमारी आंतरिक शक्ति होती है इसी को अभिप्रेरणा कहा जाता है, और इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि किसी भी व्यक्ति को जो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रभावित या प्रेरित करती है वो व्यक्ति की अभिप्रेरणा कहलाती है, और अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने की आंतरिक क्षमता, आंतरिक शक्ति, आंतरिक इच्छा होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कह रहा है सर्वप्रथम बालक को उसके प्राकृतिक परिवेश से परिचित कराना चाहिए, बी कह रहा है बालक को परिवार, समुदाय, समाज से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, सी कह रहा है बालक में स्वस्थ आदत का विकास करना चाहिए, और राजनीतिक समझ प्रदान। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है आपको निगेटिव चाहिए क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, और नहीं के आधार पर डी होगा कि बालक को राजनीतिक समझ सर्वप्रथम नहीं प्रदान करनी चाहिए, बल्कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसे उसके परिवेश से परिचित कराना चाहिए, और बालक जिस परिवार समुदाय से आए उसे जोड़ करके पढ़ाइए, और बालक को उसके वातावरण में जीवन जीने के स्वस्थ आदत का विकास करना, ये सभी हमारे पर्यावरण शिक्षण के अनिवार्य तत्व होते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर नौ के क्रम पर, और प्रश्न नंबर नौ कह रहा है कि बालक के प्रश्न नंबर कक्षा एक और दो के पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ए कह रहा बालक के शारीरिक बोझ को कम करना, बी कह रहा बालक के बस्ते के भार को कम करना, सी कह रहा है सौंदर्यगत अधिगम परिवेश प्रदान करना, और डी कह रहा उपर्युक्त सभी। तो आप ध्यान देंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में कक्षा एक और दो में पाठ्य पुस्तकों का संतुति नहीं की गई है, इसके पीछे कारण यह है कि इन कक्षाओं में हिंदी और गणित जैसे और अंग्रेजी जैसे विषय की पुस्तकों की संतुति की गई है, तो बच्चे को संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, जैसे आप गणित में एक लिखते हैं तो एक अंडा बनाते हैं, दो लिखते हैं तो दो हाथी दिखाया गया है, तीन लिखते हैं तो तीन, इस प्रकार से बालक के परिवेश की वस्तुओं का आप वहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे हिंदी की किताब में क लिखते हैं तो क छोटा सा लिखते हैं, कबूतर बड़ा सा, क्यों, क्योंकि कबूतर बालक के परिवेश का हिस्सा है। तो हम प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में एक दो में पर्यावरण बालक को उसके परिवेश के संदर्भगत वातावरण से पढ़ाते हैं, न कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के सामाजिक घटक में शामिल नहीं किया जाता है, कह रहा भाषा, मूल्य, संस्कृति, वनस्पति। तो देखिए सामाजिक घटक की बात कर रहा है, तो आप समाज में अंतःक्रिया करेंगे भाषा के माध्यम से, और आपके समाज में जो जीवन जीने की कला होती है वही मूल्य कहलाता है, और जीवन जीने की कला जिससे प्रभावित होती है वो संस्कृति कहलाता है। लेकिन पर्यावरण शिक्षण के प्राकृतिक घटक में शामिल किया जाता है वनस्पति को, अतः यहाँ पर पूछा है शामिल नहीं किया जाता है, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्त इसी के साथ आज का ये था महत्वपूर्ण आपका अभ्यास यहाँ पे श्रृंखला सीटेट और एमपीटेट की।
आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि 10 अप्रैल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा कि 10 अप्रैल तक के लिए आपको सभी कोर्सेज में 25% ऑफ कर दिया गया है। आपको 25% ऑफ कर दिया गया है। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करके आप रजिस्टर करने के बाद आप जब परचेज कोर्स में जा रहे हैं तो वहाँ जहाँ पर अप्लाई कूपन कोड मांग रहा है वहाँ कैपिटल लिखिए C2020। जैसे ही लिख करके अप्लाई कोड कर देंगे वैसे ही आपके कोर्स का 25% ऑफ हो जाएगा और आप आसानी से घर बैठे आप अपने जो भी जिस भी तैयारी में लगे हैं उसमें आप अपना बेहतर सुनिश्चित कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।